सो हमारे साथ मुख्य मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीसीए जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर बिट्टा, बहुत बहुत स्वागत है डोगरा जी, और हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक नरेश जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि जो जीपीएल करवाया जा रहा है और हर साल जिमखाना के इनिशिएटिव होता है, उसके बारे में क्या कहना है? यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थिंकिंग कि इट्स अ स्मॉल टूर्नामेंट और डे बाई डे ये वाइस इज कमिंग अप, तो बहुत बढ़िया लगा इस माहौल में एक टूर्नामेंट कराना। मीन टू से कि पीपल डिप्रेस हुए हुए हैं, दे आर नॉट एक्टिव, तो इस माहौल में ऐसा कराना टू कीप देम लाइव, तो मैं भी आ गया हूँ, मैं भी नहीं निकला तो मैं भी इसीलिए आया हूँ जस्ट टू सी हाउ द एक्टिविटीज गोइंग। इट्स गोइंग वेरी वेल, ऑल क्रेडिट गोज टू द सेक्रेटरी एंड द अदर हिज टीम, एंड इट्स ए कमेंडेबल जॉब दे हैव डन। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोविड की वजह से मेंटल हेल्थ पर लोगों की काफ़ी असर पड़ा है, चाहे कोई भी एज कैटेगरी हो, डू यू थिंक इंडोर एक्टिविटीज़ की वजह से ये मेंटल हेल्थ जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है? जैसे कोरोना के पहले लॉकडाउन रहा, उसके बाद अभी टूर्नामेंट हो रहा, बढ़िया कर रहे हैं सिक्का जी हमारे, और जिमखाना क्लब जो है एक शहर में एक बहुत नाम है इसका जी, पंजाब में नाम है इसका, और ये हेल्थ प्रति बढ़िया है कि जो यंग लड़के हैं अभी टूर्नामेंट खेल रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और बढ़िया लग रहा है जी, तो मैं भी आया हूँ, मैं भी खेल रहा हूँ, और सारा जो है हमारे सिक्का जी जो प्रधान जी हैं इनको जाता है, और जो यंग जनरेशन है सभी आए और अपना मजा ले आके। थैंक यू। आप दोनों में से मुझे एक सवाल है, आप लोगों को क्रिकेट खेलना कितना पसंद है? पहली तो ये बात है कि ट्रैफिक ठीक ना हो तो कुछ भी नहीं अंडर कंट्रोल, एंड सेकंड ये है कि नाउएडेज क्रिकेट इज़ द ओनली गेम, दूसरी को गेम चलती नहीं है, बड़ा जोर लगाते हैं, हम खुद करते हैं कि लेट्स प्रमोट द अदर स्पोर्ट। मैडम मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ जूडो का जी, ठीक है जी, तो मैं कोई गेम हो सभी खेल सकता हूँ, या भी क्रिकेट हो तो क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्रिकेट की कोई गेम हो, वेट लिफ्टिंग हो, जूडो हो, स्विमिंग हो, जो भी हो मैं खेल सकता हूँ, क्योंकि हम जिमखाना क्लब के मेंबर भी हैं और यहाँ आके प्रैक्टिस भी करते हैं, तो इसीलिए सभी को बोलते हैं जितने भी नौजवान हैं सभी ड्रग्स छोड़ के सब कुछ छोड़ के और स्पोर्ट्स करो और अपना जीवन बढ़िया बनाओ। थैंक यू सो मच सर।
स्कोर है 180, एक विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर की पहली गेंद इधर आनी आनी है, देखते हैं इधर आई आएगी। ये देख कर बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी शिवम ने, पंगा पता क्या पड़ रहा है, वो विकेट कवर करके खड़ा है, इसे समझ नहीं आ रहा कि किस लाइन पे डालो अपनी बॉलिश ऑफसिंग हो रही है, इसे सिर्फ मारने भी जा रहा है, जल्दी पहले दो वाले बीट हुआ फिर हुआ क्योंकि बाहर जा रहा है, जा रहा है जा रहा है, अपने यहीं से लाना है, इसके पैर से जब स्विंग होएगा ना तो ये बीट होएगा और एज लगेगा, जैसे पहले आउट आए खड़ी थी ऊपर चौका चलेगा। बॉलिंग बहुत बढ़िया बॉल, और इस गेम को इस अच्छी गेम को पूरा सम्मान देते हुए अभिषेक को सम्मान दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए, कोई ऐसी शॉट नहीं खेल चले, अच्छी बॉल को सम्मान दिया और एक खराब बॉल की वेट करेंगे हिट करने के लिए। बॉलिंग यार, और एक और अच्छी गेम दो रन के लिए, बल्ले का किनारा लेती हुई दो रन, स्लिप लगा स्लिप के ऊपर से के बाद मार स्लिप लगा वहीं से बल्ले के बाहर ही किनारा लेती हुई दो रन के लिए बाउंड्री के बाद। ऑफ में तो अन्ना है, मतलब अन्ना है ऑफ मेरे हिसाब से, एक राउंड क्या है और मैं राउंड डाल और ये लैग भी चल रही है, शुरू में पता क्या था, शुरू में वहां से बीट कर दिया ना स्लिप लगा, मैंने बोला नहीं पर वो सेम वाले तूने तूने सही तेरी सजेशन बहुत अच्छी थी, बट अब वही करना अगर ये हुआ बढ़िया शॉट, बिल्कुल बैकफुट पे गए और स्कोर हो चुके हैं 23 एक विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर की चौथी गेंद, स्कोर को बिजी रखते हुए अभिषेक 15-23 ठीक है, अगली बॉल और उसको बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी शॉट इसी गेम के इंतजार में थे, शानदार 6 रन। अच्छी गेंदों को सम्मान देने के बाद एक लूज गेंद पर शानदार 6 रन, मैंने वही कहा था कि अभिषेक हमेशा एक लूज बॉल की वेट करेंगे और ये 6 रन बहुत बढ़िया 6 था, काफी दूर तक गया और स्कोर हो चुके हैं 29 एक विकेट के नुकसान पे 32 जितनी अच्छी बल्लेबाजी उतनी ही अच्छी बॉलिंग, स्लिप खड़ी की थी लेकिन स्लिप और हाथ ऊपर कर कीपर के बीच से कैच निकल गया। ओवर की आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर हो गया है 30 विद वन विकेट आउट। क्या कैच आ सकता है, अभी तक तो दमकल आटे मारे, बहुत बढ़िया स्टेट पूरा कवर्स के बीच अपना कोई रन नहीं, पहले दिन से पता लग गया ये बहुत यॉर्कर था कर रहे हैं, और 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 30 रन विद 1 विकेट डाउन 3-0 फॉर वन जगह है आफ्टर 3 ओवर, यहां पे स्लिप में बहुत तेजी है, क्वेश्चन है 30 ऑफ की ओवर के बाद 30 रन एक खिलाड़ी या तो वो है ना बॉल 40 गेंदों में 85 स्कोर की जरूरत है इस टीम को और 9 विकेट इनकी बची हुई, मेरे हाथ पाने पर था बीच में कोहली ने पहली हाथ पर कर लिए थे छोड़ जैसी बॉल आगे से निकल गई, हिमांशु ने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दी है, 42 बॉल्स रिमेनिंग एंड 85 रन्स टू विन, स्पाइक्स पाए हैं मतलब काम नहीं तो आते हैं ना, मुश्किल भी है हां जी और इंपॉसिबल नहीं, हमारी तो ये इच्छा है कि ये बॉल ये मैच बिल्कुल आखिरी बॉल तक जाए और हम चाहते हैं कि सुपर ओवर भी हो, बहुत देर से दर्शक हमारे 3 दिन से कि सुपर ओवर की वेट कर रहे हैं, बॉलिंग सॉरी
को सम्मान दिया, फ्रंट फुट बाहर निकाला और बैट और पैड को जोड़ा, बॉल को आने दिया और कोई नहीं। वहां से फिल्टर क्यों हटा के लगाया? कहां से ये यहां फिल्टर क्यों नहीं है यहां पे? ऑस्ट्रेलिया पे कौन है? बज भी थे और एक और बढ़िया डिफेंस। शारदा भाई ने बॉल को कोई ना कैसे निकली चाहिए, थोड़ी सी आंख इधर उधर होती तो ये चार अंक अच्छी शॉट पे बैटिंग की और अच्छी बॉल आ रही है, उठा लिया बॉल को और ये बॉल एक शॉट पूरी तरह से संभाले हुए अच्छी बैटिंग। पहली बाउंड्री आई इस ओवर की, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज किया बैटिंग टीम के ऊपर, अभी तो बोल रहा हूँ वीडियो चल रही है अच्छा और ये चार अंक। टीम के 40 स्कोर में से 32 स्कोर सिर्फ अभिषेक के, बहुत अच्छी बैटिंग पूरी पारी को संभाले हुए अभिषेक और उससे भी बड़ी बात यह है वो प्रेशर रिलीज कर रहे हैं अच्छी शॉट के साथ खेल रहे हैं और एक समय था बड़ी शॉट बाउंड्री के बाद बैक टू बैक बाउंड्रीज के लिए वो नहीं गए, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, वेट कर रहे हैं मौका नहीं दे रहे किसी हाथ में, लेकिन दो बॉलें नॉट आउट के बाद बड़ा जोर से प्रहार किया। ओवर की समाप्ति, चार ओवरों के बाद 39 स्कोर हो चुके हैं। और सामने है अमित कुकरेजा, नहीं मत प्लीज यॉर्कर था, बढ़िया प्लेस किया है अमित को पता है कि अभी समय फुल फॉर्म में है तो स्ट्राइक उनको दे रहे हैं, स्टार्ट कर एक रन कंप्लीट कर रहे हैं ताकि वो ये क्या ऐसे क्यों करा रहे हैं, अपने अंदाज ऐसे क्यों करा रहे हैं, स्लो डाल रहा है एक्शन क्यों चेंज कर लिया ओए बटानी तभी आज एक्शन चेंज है पूरा अच्छा लग रहा है ये क्या रहना यहाँ यहाँ से लेता होता था भाई वही यहाँ से भागता होता था यहाँ से दो बीच में घोड़ा भी होता है दो जंप समझदारी का डिसीजन कुकरेजा को वापस भेजा वरना ये विकेट रुक जाती अभिषेक की एज ए रन आउट। आखिरी बॉल पे अपना डिसीजन को चेंज किया क्योंकि सामने जो अभिनंदन है फील्डर बहुत ही बढ़िया है स्कोर हो चुके हैं 45 एक विकेट के नुकसान पे पांचवें ओवर की चौथी गेंद।
अभिषेक है सामने, पूरी टीम को संभाले हुए अपने शोल्डर के ऊपर। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, काउंटिंग में बहुत अच्छी बढ़िया गेंदबाज खेलने की अंपायर ने ऑर्डर दिया। कई बार ऐसी फील स्थिति की जाती है कि वाइट का इशारा जी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत अच्छी बॉल, ओवर की समाप्ति। पांच ओवरों के बाद स्कोर हो चुका है 46-1 के नुकसान पे। पांच ओवर के बाद स्कोर है 46। इस ओवर में रन रेट को रोका गया और आखिरी के पांच ओवरों में 69 स्कोर की जरूरत है। यार वो तो स्पॉन्सर है, फ्री पैक फ्री रह गया उन्होंने, ये तो फ्री है। क्रिकेट में अग्रेशन बहुत जरूरी है, दोस्ती और मोहब्बत भी बहुत जरूरी है। अपना न्यू बैलेंस का बैट ये अग्रेशन से खेली जाती है। हमारे इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली नोन फॉर हिज अग्रेशन इन द फील्ड, ही नेवर लेट द ऑपोजिशन से समथिंग टू हिम, एनीथिंग फॉल्स, ही ऑलवेज रिप्लाइज विद हिज बैट, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज बॉलिंग। की डिमांड ईशान शर्मा के हाथ में, हाँ दूसरा ओवर है ये। दो रन के लिए उसको ऐसे ही बड़े ही अपनी बॉडी का वेट ट्रांसफर किया, अभिषेक ने उसको खेल दिया, लेस्ट टर्म किया, साफी को किया। गति परिवर्तन से बल्लेबाज को चौंकाने की क्षमता ईशान में हमने पहले भी देखी है। शॉट सीधा फील्डर के नाम कोई रन नहीं। फील्डिंग टीम हर एक बॉल पे अमल कर रही है अपने प्लेयर्स को, अपने फील्डर को, ताकि कोई भी खिलाड़ी ना सके अदा करे। सारे बैटिंग टीम भी पूरी अग्रेशन में है, जो प्लेयर मैच देख रहे हैं वो भी बहुत अग्रेसिव है इस समय अपने आप को लेकर। बहुत बड़ी विकेट को लेकर टीम में उत्साह बहुत ज्यादा। और अभिषेक के बारे में बता दूं,
23 गेंदों में 43 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्के। बहुत अच्छी बैटिंग। 52 स्कोर में 43 स्कोर तो सिर्फ अभिषेक के लिए, बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट गेंदबाज टीम के लिए। जिसने कैच किया उनका नाम बिल्डर ने। अभी ओवर सी ले लो, ऑर्डर इसके अगले ओवर निकालते हो अगर वो स्ट्राइक तो आ गया यार, क्योंकि प्रेशर है न्यू बैट से। ब्रेक आ गई, ब्रेक आ गई। सूर्य ने कैच किया अभिषेक का, बस ये छेवा और ये कोई आसान कैच नहीं था और ये आसान विकेट भी नहीं था। बॉलिंग टीम के लोग बहुत उत्साहित होते हैं इस विकेट को लेकर, अग्रेशन का साफ नजर आया, लेकिन उन्होंने एक चट्टान को गिरा दिया। ये भाई आजकल नया स्टाइल चला है, यहाँ पे टोपियां करवा देते हैं बॉलर, ये इससे क्या होएगा, ऐसे तो एम्पायर की भी तार हो जानती है ना, मतलब वो तो डीमोनेटाइज करने वाले टोटली एम्ब्रोस के नहीं उतरवाए थे, टोटली एम्ब्रोस के रिस्ट बैंड उतरवाया था, फिर पता लगा था बॉल गिल का थी। ट्रॉली मैदान में आ गए, आखिरी 4 ओवर्स में 63 रन की जरूरत है। बड़े शॉट लगाने का शॉट पिच कराने की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा जी इस बार उन्होंने अमित कुकरेजा को भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, टीम पूरी प्लानिंग के साथ अमित को बॉलिंग कर रही है। बहुत अच्छी होकर ये बहुत तेज जोड़कर था, फिर भी उनके पैरों के पास टैलेंट किया करण ने। और ये शॉट बहुत बढ़िया शॉट यार, ये फील्डिंग प्रेशर इतना है बैट्समैन के ऊपर कि शॉट मारने ही भाग लेते हैं, लेकिन फील्डिंग इतनी बढ़िया है सारी काले और सीधी थ्रो पूरा मैच ही यहां पर सिंगल से काम नहीं चलेगा, लगातार बाउंड्रीज की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरा मैच चलता केवल पांच ओवर एक ओवर पांच ओवर टीम के बॉलर होमवर्क करके आए हैं, वो अमित को बहुत लंबी दूरी बॉलिंग कर रहे हैं, अमित को हाथ नहीं खोलने दे रहे हैं, सबसे बड़ी खासियत है इनके होमवर्क की, वरना अमित इतनी देर तक शांत रहे बहुत मुश्किल है। आखिरी गेंद
बहुत बढ़िया शॉट अमित कुकरेला द्वारा एंड फोर रन बारह बॉल्स में पचास रन जी आपको हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि मैच आखिरी बॉल तक और सुपर ओवर शिवम है इनके सबसे बढ़िया टीम के वसीम अकरम जो कि वैसे ही एक्शन से वैसे ही राउंड से बॉल करते हैं और कई बार उनका यॉर्कर अनप्लेबल होता है अनप्लेबल पहली बॉल डॉट बॉल कोई गलत नहीं कोई रन नहीं इस ओवर में तक आ गया शिवम वाइट का इशारा अंपायर द्वारा पहले तो अपने बहुत बढ़िया शॉट दो रन बस ये वाइट लाइन दो रन से काम नहीं होने वाला अब तो तीन चार सिक्स चाहिए लगातार काम नहीं करने का शॉट यार माइक में सेल नहीं है आई रिक्वेस्ट दी इलेक्ट्रिशियन टॉप ऑफ द टेबल डीजे वाले के पास दो सेल दे दिया है वापसी करते हुए शिवम एक सिक्स के बाद वापसी की है ओवर की समाप्ति नौ ओवर के बाद स्कोर है 74
आखिरी पांच खेले और रन चाहिए 40। जिस तरह से हम इनको खामोश रखा है लोगों ने, ये तारीफ होगी इस टीम की। सारे ही डॉक्टर को दे रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दो रन, लेकिन जो सीजन हो गए पहले उसमें शायद इन दो रन से कोई फर्क ना पड़े। हाँ, रिक्वायर्ड रन रेट में निगरानी लीग अगर चाहे तो जितना करीब जाए उतना अच्छा होगा नेट रन रेट के लिए। कहते जो ऐप दिखाया था ना आपके बंदे वो सही नहीं है, जो हम कैलकुलेट करेंगे वो सही है। वो ऐप वाले ने कट के दिया है ताकि बल्ले के बीच से ये खेला हुआ शॉट, लेकिन काफी देर हो चुकी है। बॉलिंग और चाहते चाहते इजी शॉट्स के साथ बाउंड्री पे कैच किया फील्डर ने, फील्डर्स ने थोड़ा मैच कितने बजे कल अड्डे 5 बजे पहला मैच तो है। बैट्समैन नेम करम, बॉलिंग कोई रन नहीं, नॉट टॉय बॉल और आखिरी बॉल, एक बॉल शेष, सिर्फ औपचारिकताएं ही रह गई है। यही यही है सारी बोले। बॉक्सिंग टाइगर इस मैच को जीतती हुई कंफर्टेबल तरीके से, हमारी राइट एंड अब आप प्लेऑफ्स में जा चुके हैं मिस्टर जतिन, यू आर द कैप्टन राइट, अब आप प्लेऑफ्स में जा चुके हैं, सो
क्या स्ट्रेटजी चल रही है? आई थिंक वी आर स्टिल ट्राइंग टू गेट अ ग्रूव बैक. आज काफ़ी अच्छी टीम एफर्ट थी. यस्टरडे वी वर अ लिटिल मिसिंग ऑन द फील्ड यस्टरडे, बट टुडे वी वर राइट ऑन द स्पॉट. आई फील कि वी आर स्टिल नॉट रीच्ड आवर पोटेंशियल. वी आर स्टिल ट्राइंग टू गेट इनटू द ग्रुप एंड आई एम होपफुल एंड वेरी कॉन्फिडेंट दैट आवर टीम विल विन दिस टूर्नामेंट. बट द स्कोर यू गाइस मेड वाज वेरी इजी टू चेस. अपार्ट फ्रॉम दैट फील्डिंग भी बहुत अच्छी की. मतलब क्या चल रहा था दिमाग में कि अभी स्कोर अगर हमने इतना कर लिया है तो आगे फील्डिंग भी बहुत अच्छी करनी है ताकि मैच पीके स्मैशर्स ना जीत जाए? We generally, all of us are actually good athletes and we always want to perform 100%. We play to because we love the game. We are not playing just to win the tournament, but we love this game. Okay. So whether this tournament is on or there's any other match, all of our players will give their 100%. One more thing, जो कि किसी और टीम में नहीं है कि जब आप लोग फील्डिंग कर रहे थे तो आप बॉलर को काफी ज्यादा चेयर अप कर रहे थे and it was not there but you know in last two days. That's how we play. That's generally how we play. That was missing yesterday, so we pulled ourselves up, and today the result is right in front of us. So all ready for next matches? Definitely, definitely. Next is a very important match for us, and we'll definitely try to win that. Okay. Thank you so much. Thank you. Congratulations. So आज का match बहुत interesting था. दो matches थे, बहुत मजा आया. For more such videos and Gymkhana Premier League पूरा जरूर देखिएगा because it is all fun. For more such videos, keep watching True Scoop.